दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के बारे में। और इसमें आज बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गुडविल यानी ख्याति। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए परफेक्ट वीडियो है। इसमें हम ख्याति यानी गुडविल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हुए चलेंगे कि आपको एक्चुअली यहाँ पर रटना नहीं पड़े। आप आराम से जब इस वीडियो को देखें और उसके बाद में आपको जो भी गुडविल से क्वेश्चन आए आप आसानी के साथ बना पाए तो बस आराम से ये वीडियो को पूरी लास्ट तक देख लीजिए, ये आपका गुडविल कंप्लीट हो जाएगी। और चलिए हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए ऑब्वियसली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एपीएस इन सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स रेगुलरली मिलते रहेगी। चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या जाती है, चलिए देखना हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कि एकाकी व्यापार में जो है ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, ये सवाल है हमारा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगी ये आपको जवाब देनी है। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब हमारा क्या है द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग, तो यहाँ पे कौन से समय ऐसा है जब सोल ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमें जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना नेसेसरी नहीं होता, आवश्यक नहीं होता है। देखिए हम किसी के साथ अगर अपना व्यापार बेचेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एजुकेशन बाबा हमारा एक नाम है, ये चैनल का नाम है, इसका एक कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। मान लीजिए अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर 5 करोड़ ही होता है, अगर मान लीजिए 5 करोड़ है तो अभी देखो इसका यहाँ पे क्या करेंगे जब हम इसको बेच रहे होंगे तो बोलेंगे नहीं भाई देखो मेरा एक तो जो मेरे पास एसेट्स है वो तो तुम खरीदोगे और साथ ही साथ मेरा नाम का सिर्फ कीमत अगर तुम अपना हम अपने एजुकेशन बाबा को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं तो उस नाम का कीमत सिर्फ 5 करोड़ है, वो तुम्हें अलग से देना पड़ेगा। तो ये हम इस तरीके से व्यवसाय बेचने पर ऑन सेलिंग ऑफ फॉर्म वो तो होता ही है, आवश्यक होता है मूल्यांकन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आवश्यक नहीं है किस में जो है नॉट नेसेसरी मतलब गुडविल का वैल्यूएशन करना। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है, इसमें है अन्य व्यक्तियों के साथ साझेदार बनने में, ऑन मेकिंग पार्टनर्स। अभी हम कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अभी देखिए जैसे कोई और मेरे पास एक व्यक्ति आया बोला हम भी तुम्हारे पार्टनर बनेंगे तो बोलेंगे भाई देख मेरा तो गुडविल का कीमत है 5 करोड़, 2.5 करोड़ तुम दे दो हम तुमको बना लेते हैं साझेदार गुडविल में तुम्हारा। बेसिकली उस समय हम कैलकुलेट करेंगे कि देखो 5 करोड़ मेरा गुडविल का वैल्यूएशन है। तो उस समय जब कोई नया साझेदार आएगा अन्य व्यक्ति के साथ साझेदार बनाने में उस समय भी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, वैल्यूएशन लगाना होगा गुडविल का। उसके बाद है संपदा के निर्धारण में यानी ऑन एस्टिमेशन ऑफ एसेट्स, मतलब जब हम संपदा का निर्धारण करेंगे कि हमारे पास कितना एसेट्स है तो उस समय तो बिल्कुल मतलब गुडविल का वैल्यूएशन तो होगा ही। लेकिन जब व्यापार बंद करने वाले होंगे ऑन क्लोजिंग ऑफ द फर्म, जब हम व्यवसाय को बंद ही करने वाले हैं अपने फर्म को बंद करने वाले हैं तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन कर गए क्या 5 करोड़ हो 10 करोड़ हो क्या ही मतलब, क्योंकि हम तो बंद कर रहे हैं अपना पूरा व्यवसाय पूरा फॉर्म अपना, तो उस समय तो कोई मतलब मूल्यांकन करने की आवश्यकता है नहीं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ऑब्वियसली हम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लिए इसका आंसर बताने में लेकिन आपको समझ में आ गई होगी, रटना नहीं पड़ा होगा है ना। चलिए इसी तरीके से बस आपको समझते हुए चलना है, रटना नहीं है, सब आंसर आपको याद हो जाएगी। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, मतलब फ्लोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि गुडविल को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, मतलब ऐसा कौन सा घटक है जो कि ख्याति को प्रभावित करता है जो नहीं करता है बेसिकली सिवाय, यहाँ पे है ना एक्सेप्ट पूछा जा रहा है कि जो ख्याति को प्रभावित नहीं करता है, बाकी तीन इसमें जो है जो घटक है वो प्रभावित करता है, एक घटक ऐसा है जो कि ख्याति को प्रभावित नहीं करता। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो क्या है व्यवसाय की प्रकृति, पहला ऑप्शन में व्यवसाय की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन होता है, बिल्कुल सही बात है गुडविल उस पर इफेक्ट होगा तो ये हो जाती है। उसके बाद प्रबंधक की कार्य क्षमता एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से हमारा प्रबंधन हो रहा है, प्रबंधक जो है कितना अच्छा प्रबंधन कर रहा है उस पर भी हमारा गुडविल का वैल्यूएशन होगा। उसके बाद तकनीकी ज्ञान हमारे पास कितना है, टेक्निकल नॉलेज हमारे पास कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये जो है गुडविल का गुडविल को वो प्रभावित करेगा।
करेगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा। लेकिन ये जो है ग्राहकों की स्थिति यानी लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, तो ये जो है ना गुडविल को प्रभावित नहीं करेगा। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन अब यहाँ पे न्यूमेरिकल से है, ऑब्वियसली आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, तो इसलिए अच्छे से इसको भी देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें है विगत तीन वर्षों के लाभ हैं 42,000, 39,000 और 45,000, औसत लाभों के दो वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा, यानी द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट थ्री ईयर्स आर 42,000, 39,000, 45,000, वैल्यू ऑफ गुडविल एट टू ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है आपको, निकालना है गुडविल किस मेथड से, तो निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो गुडविल होता है उसका वैल्यूएशन कितने तरीके से होता है। पहला तरीका जो होता है तीन तरीके से होता है। पहला तरीका जो होता है वो क्या होता है, वो होता है और क्या चीज़, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो ये तीन तरीका से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। होप आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे गुडविल चैप्टर में ये पूरे अच्छे से, क्योंकि अगर वो पढ़े होंगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बता के बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बनाना है। जब आप पढ़ोगे या फिर पढ़ लिए होंगे तो आप आसानी के साथ बना पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये तीनों को जोड़ देना है। ये तीनों को आप जब जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 1,26,000, और ये तीन ईयर है ना, तो 1,26,000 को तीन से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास 42,000 आएगा, ठीक है, 42,000 आएगा। ये तीनों को जोड़ के तीन से भाग दे देना है, तो आ गया आपका औसत लाभ, उसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज को देखना है, वैल्यू ऑफ गुडविल एट टू ईयर परचेज। तो मतलब यहाँ पे दो साल पे परचेज करना ही परचेज किया गया, तो यहाँ पे दो साल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो यहाँ पे कर दिए, तो फार्मूला पे बैठा है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाती है, 84,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ऑब्वियसली समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, अब समझिए इसको। निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि का प्रयोग करते हुए फर्म की ख्याति ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली देखिए तीन तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़, कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाना है आपको, ठीक है। फर्म के लिए कुल पूंजी जो है 80,000 दिया हुआ है, 80,000 टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 80,000 है। उसके बाद प्रत्यय की उचित दर यानी जो इंटरेस्ट रेट है, बेसिकली रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो 15% है, 15%। और लाभ वर्ष का लाभ जो है प्रॉफिट ऑफ द ईयर वो जो है 1,20,000 है, ठीक है। तो ये हो जाती है, अभी बेसिकली आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको ये बनाना है। तो देखिए कैसे आप बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो आपका लाभ है, आपका जो लाभ है 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 है, तो इसको आप क्या करोगे, 1,20,000 को 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका यहाँ पे 8,00,000 आ जाएगा, ठीक है, 8,00,000 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे गुडविल कैसे निकालना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया, सीवी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है गुडविल का कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास 8,00,000 हो गया, और नेट एसेट्स यानी कुल पूंजी हमारे पास ये जो कितना है वो 80,000 है, 80,000 है, ठीक है। तो 80,000 हम यहाँ पे माइनस किए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7,20,000। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। होप आप लोग पढ़े होंगे गुडविल चैप्टर में, नहीं पढ़े होंगे तो मतलब ज़्यादा चांसेस है आपको नहीं समझ में आई होगी। अब यहाँ पे 5-9 क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है, यानी अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड। मतलब यहाँ पे पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसका यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है। तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे बस इतना देखना है कि एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गई। चलिए 6-9 क्वेश्चन देखिए, और इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे है अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है, यानी यहाँ पे क्या है, अंडर द सुपर प्रॉफिट बेसिस,
गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, अभी तो हम लोग देखे थे क्या चीज, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहाँ पे क्या होता है एवरेज प्रॉफिट के जहाँ पे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बस सिंपल से काम करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, यानी अति लाभ या अधिलाभ गुने खरीदे गए वर्षों की संख्या। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ख्याति है गुडविल इज, तो गुडविल क्या है, ये एक स्थायी संपत्ति है, एक फिक्स एसेट्स है, बिल्कुल है ही। उसके बाद अमूर्त संपत्ति है यानी इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति है एंड इनविजुअल एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये तीनों हो जाएगी, ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। गुडविल को हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, एसेट्स भी है हमारा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन और डी। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 8 नंबर थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली गुडविल में थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करवाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए सब आपका क्लियर हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों के लाभ जो क्रमशः 6,000, 13,000, 8,000 है, औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति निकाले, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर है, और हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट जो है लास्ट 3 ईयर का 6,000, 13,000 और 8,000 है रिस्पेक्टली। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या चीज, आपको गुडविल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये तीनों को जोड़ दो, यहाँ पे क्या करना है, ये तीनों को जोड़ दो, ये तीनों को आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, 27,000, ठीक है, 27,000 हमारे पास हो जाएगी, और इसको हम 3 साल है यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, कितना 9,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था 2, यानी 2 साल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा देखिए, ऑप्शन नंबर डी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा फॉर्मूला अगर देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, फॉर्मूला भी वहाँ पे बनाया जाता है, रटा नहीं जाता है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, इसमें है एक फर्म ने पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभ जो है निम्नवत कमाए, जो 2011 में कमाया 15,000, 2012 में कमाया 20,000, 2013 में कमाया 25,000, ठीक है, और फर्म के विनियोजित पूंजी जो है 1,00,000 है, तो लगी हुई पूंजी पर उचित प्रत्याय दर जो है 15% है, तो 3 वर्षों में अर्जित औसत अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति निकालें, यानी यहाँ पे क्या है, औसत अधिलाभ, यानी आपको सुपर प्रॉफिट, बेसिकली आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है कैसे गुडविल, तो बहुत अच्छे तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, और बेसिकली यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें करना होगा हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़, सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालना है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट में हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, ये दोनों निकालेंगे तब तो इसको इसमें से घटाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और फिर सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास गुडविल आ जाएगा। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यानी सामान्य लाभ ये जो है कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है, ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास, कैपिटल इन्वेस्टेड यानी विनियोजित पूंजी, तो वो 1,00,000 है, ठीक है, 1,00,000 हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 1,00,000 हमारे पास ये हो गया, और NOR कितना है 15%, रेट ऑफ रिटर्न जो है, और डिवाइड किया दिए 100 से, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 15,000, ठीक है, 15,000 यहाँ पे आ गई। अब देखिए हमारे पास 15,000 क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये तीनों को जोड़ो, ठीक है, ये तीनों को जोड़ो और उसको डिवाइड कर दो कितना, 3 से, तो 60,000, ये तीनों को जोड़ोगे 60,000 आएगा, ठीक है, 60,000 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20,000, ठीक है, 20,000, तो हमारे पास यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अब निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 20,000 आ गया, ठीक है, 20,000 आया, और नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया, 5,000 आ गया सुपर प्रॉफिट, और इसको अगर गुडविल कैसे बनाएंगे, तो सुपर प्रॉफिट ये आया, बस उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वर्ष दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो बस 2 से गुना कर दिए, 10,000 हमारे पास आंसर हो गई 9 का ऑप्शन नंबर बी। नहीं आपको समझ में आया, बैक करके आप दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगी, काफ़ी आसान है ये सब, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरी पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देखिए, अब थ्योरी देखिए।
10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सुपर प्रॉफिट से आप बेसिकली क्या समझते हैं, तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपको अभी जस्ट बताएं कि औसत लाभ में से अगर सामान्य लाभ अगर घटाएंगे तो वो हो जाएगी सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट गुडविल कैसे निकलेगा, तो गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट माइनस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इस तरीके से गुडविल निकल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसमें है सामान्य लाभ और सामान्य लाभ पर औसत लाभ की अधिक कहलाता है, यानी द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, जो सामान्य लाभ है, उससे ज़्यादा हमारे पास औसत लाभ है, यानी क्या है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है। तो आपको पता है ना, आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है और उससे हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है ये कम है, तो इसको घटाएंगे इससे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिलाभ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 12 नंबर क्वेश्चन और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 15,000 तथा लाभ जो है 50,000 है और सामान्य लाभ का दर जो है 20% पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी, कितना होगा, पूंजीकरण मेथड से यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लाइड हमारे पास 1,15,000 है, प्रॉफिट 15,000 है और एनओआर कितना है 20%। तो सर ये इसको निकालते हैं हम लोग, तो किस तरीके से आप निकालेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे सीवी निकालिए, कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 50,000, ठीक है, 50,000 कर लिए 50,000 और 100 डिवाइड बाय 20 जो हमारे पास इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर क्या होता है, सीवी माइनस नेट एसेट्स, ठीक है, सीवी माइनस नेट एसेट्स, तो हमारे पास यहाँ पे अभी जस्ट सीवी निकाले थे वो कितना आ गया था 2,50,000 2.5 लाख और हमारे पास नेट एसेट्स कितना है, तो नेट एसेट्स हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास कितना, ये है हमारे पास 1.5 लाख, देखिए है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 1.5 लाख है, 1.5 लाख, तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी 12 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग मतलब अच्छे से नहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो ऑब्वियसली अभी तक वीडियो को छोड़ के भी चले गए होंगे, लेकिन आप लोग अगर अभी तक बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स देख के डर के भागना नहीं है, बल्कि जितना क्वेश्चन हो सकता है ऑब्वियसली ट्राई करिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, इसमें यहाँ पे है ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब, यानी वेटेज जो है एवरेज, यहाँ पे मेथड ऑफ कैलकुलेशन गुडविल इज यूज्ड व्हेन, तो मतलब हम जो है वेटेड एवरेज मेथड का यूज कब करते हैं, देखिए हमारे पास जो है गुडविल का जो है कैलकुलेशन वैल्यूएशन जो है 3 मेथड से करते हैं, पहला है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, दूसरा है सुपर प्रॉफिट और तीसरा है हमारे पास यहाँ पे क्या चीज, कैपिटलाइज मेथड, तो ये यहाँ पे 3 हुआ। अब देखिए जब जब हम मान लेते हैं एक साल हमारे पास प्रॉफिट हुआ 5,000, दूसरे साल हुआ 10,000, तीसरे साल हुआ 2,000, ऐसे करके मतलब बढ़ते घटते रहता है जब प्रॉफिट, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चलाएंगे, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट चलाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक साल, पहला साल हुआ 5,000, उसके बाद हुआ 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, या फिर मानो पहला साल हुआ 20,000, फिर 15,000, फिर 10,000, फिर 18, फिर जो है 5,000, ऐसे करके घटते या बढ़ते क्रम में रहेगा, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ख्याति का भारित औसत विधि का उपयोग करेंगे, यानी वेटेज जो है एवरेज मेथड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लाभ के बढ़ते हुए प्रवृत्ति पर, यानी प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब जैसे अगर मान लीजिए 2000 हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए 18 में कितना हुआ, 18 में हुआ 5,000, ठीक है, 18 में हुआ 5,000, उसके बाद हुआ 10,000, उसके बाद हुआ हमारे पास कितना 15,000, तो ऐसे करके बढ़ते गया, ठीक है, बढ़ते गया, तो उस समय हम लोग यहाँ पे ये करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से अगर घटते जाएगा ट्रेंड, मतलब ऊपर से नीचे तक जाते रहेगा, तो उस समय भी हम लोग यूज़ करेंगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, यानी द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा गुडविल, ऑप्शन नंबर ए ख्याति यहाँ पे कही सही आंसर हो जाएगी। अगर मानिए आज अगर टाटा
सिर्फ नाम ही अगर कोई परचेज करता है तो सोचे कितना करोड़ का होगा, कितना हजार करोड़ का होगा, बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और इसमें यहाँ पे क्या है, देखिए एक फर्म की औसत लाभ जो है 60,000 है, विनियोजित पूंजी का प्रत्यय जो है 12.5% है, ठीक है। और यहाँ पे फर्म की कुल विनियोजित जो है वो 4 लाख थी, तो लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति होगा, कितना होगा। तो अब देखिए कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला बताए हैं कि सीई आपको सबसे पहले ढूंढना है, उसके बाद एनओआरआर ढूंढना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब डिवाइड कर देना 100 से, तो हमारे पास एनपी आ जाएगा। और एनपी हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें एनपी आ जाएगा हमारे पास 50,000। इसका आप निकालोगे 50,000 आ जाएगी। और कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे 4 लाख, ठीक है, 4 लाख इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100, आप ये करोगे आपका यहाँ पे 50,000 जो है ये आ जाएगा, क्या चीज़, ये आ जाएगा हमारे पास एनपी, ठीक है, एनपी हमारे पास ये आ जाएगा 50,000। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, ठीक है, सॉरी पहले हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज़, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से बेसिक निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट 60,000, 60,000 यहाँ पे दिया हुआ है, और एनपी कितना निकला 50,000, ठीक है, 50,000 निकला। तो अब यहाँ पे किए तो कितना आया, हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया 10,000, ठीक है, 10,000 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस, 2 ईयर है तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, ठीक है, 20,000 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 15 का सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 15 का ये देख लिए, 16 नवा क्वेश्चन देखिए, 16 नवा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे है कि पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है, यानी अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत जो है ख्याति की गणना की जाती है, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, तो यहाँ पे 16 का आंसर क्या हो जाएगी, तो 16, 16 नवा क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत, तो यहाँ पे ये जो है औसत लाभ क्रय वर्षों की संख्या मल्टीप्लाई औसत औसत लाभ इंटू क्रय वर्षों की संख्या, अगर ये रहेगा ईयर परचेस नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो देखो यहाँ पे जो है ये आंसर हो जाएगा अधिलाभ डिवाइड बाय क्या चीज, अनुमानित आय का दर, यानी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो परसेंटेज है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट परसेंटेज आप ये जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो आप निकाल दोगे, NORR जो हम शॉर्ट में बोलते हैं वो, तो बस वो आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 17 नवा क्वेश्चन, और यहाँ पे ये भी थोड़ा सा क्या है, ये भी आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और आप बहुत आसानी के साथ आप बना पाओगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विनियोजित पूंजी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे औसत लाभ दिया हुआ है, और यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकाल लेना है, फर्म का अधिलाभ, बेसिकली अभिलाभ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, अधिलाभ विधि के अकॉर्डिंग आपको ख्याति की गणना करना है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कैसे आप निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, ठीक है, 10,000 जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हो गई हमारे पास क्या चीज़, विनियोजित पूंजी, और उसमें 20 से गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगी, और गुडविल को हम लोग बस माइनस कर लेंगे, ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट है और उसके एक और एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, वो 5,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, बस यहाँ पे सुपर प्रॉफिट ये पूछा जा रहा है, हमारे पास इसको गुडविल में कन्वर्ट नहीं करना है, तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। बस आप बना के देखिएगा, बन जाएगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल के तो देखिए 18 नवा क्वेश्चन, और यहाँ पे 18 नवा क्वेश्चन में देखिए अब क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे क्या है, 18 नवा क्वेश्चन में इसमें है निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि का उपयोग करते हुए फर्म की ख्याति ज्ञात करिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम विच फ्रॉम फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए गुडविल को निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं 18 नंबर में, सबसे पहले आपको सीवी निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू कितना है हमारे पास, तो अगर आप इसको अगर निकालना चाहते हैं तो आप निकालिएगा अच्छे से,
तो बन जाएगा, ये सब आसान है, बहुत आसान है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें 12 लाख है, ठीक है। 12 लाख को हम 100 से गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे कितना, जो हमारे पास परसेंटेज है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60 लाख, ठीक है, 60 लाख आ जाएगा। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, गुडविल निकालना है, ठीक है, गुडविल निकालना है। तो हम बस 60 लाख में से क्या करेंगे, हमारे पास जो नेट एसेट्स है उसको माइनस कर लेंगे, यानी 28 लाख, सॉरी, तो आ जाएगा 32 लाख, यहाँ पे आंसर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो लोग को नहीं समझ में आया, बैक करके आप ऑब्वियसली देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 19 नंबर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने पर ख्याति के मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए लाभ जो है 4, 5, 6 हज़ार थे, ठीक है। अगर जो है हमारे पास जो है प्रॉफिट जो था फर्स्ट यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए 4,000, 5,000, 6,000, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेजर से। तो 19 में बहुत ही आसान है और यहाँ पे निकाल सकते हैं। 19 में बेसिकली कैपिटलाइज मेथड से यूज़ करना है, तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जब यहाँ पे शायद बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 4,000 है और प्लस 5,000 और प्लस 6,000, ठीक है। तो 15,000 डिवाइड बाई 3, और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 वर्ष। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 19 का आंसर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज़, यहाँ पे 10, ये जो है 19 नंबर क्वेश्चन बेसिकली जो है ना, 19 का आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी 10,000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 10,000 हो जाएगी। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेसिकली यहाँ पे 3 है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और ये कैसे होगा, जैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 4,000, 5,000 और 6,000, ये तीनों को जोड़ना है, और आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 वर्षों के लाभ, सॉरी, यहाँ पे वही तो दोगुने पर ख्याति निकालना है ना, मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, डबल पे, यानी 2 ईयर्स के लिए। तो बस आप जैसे 4,000, 5,000 को जोड़ो और फिर 6,000 को जोड़ो, 4,000 + 5,000 + 6,000, इसको हम जोड़े, उसके बाद डिवाइड किए 3 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 5,000 आ गया। तो हमारे पास जब हम डिवाइड किए तो 5,000 आया, 5,000 को हम क्या किए, 2 से गुना कर दिए, तो हमारे पास 10,000 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही आसान था, इतने सारे हार्ड क्वेश्चन को आप बनाए हैं, ये तो आराम से बन जाएगी। 29 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं, ख्याति को यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई, यानी गुडविल इज़ नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट द ओल्ड पैलेस, दिस डेफिनेशन ऑफ गुडविल वॉज गिवन बाई, ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा गिवन किया गया, मतलब गिवन कौन इसको दिए हैं बेसिकली। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लॉर्ड यहाँ पे जो है एल्टन हो जाएगा, लॉर्ड एल्टन, यहाँ पे ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगी। चलिए अब अगले सवाल को देखिए, यहाँ पे 21 क्वेश्चन, हालांकि ये जो चैप्टर था ना, मतलब बेसिकली इसको इस पे हम पढ़ा ही नहीं सकते थे बेसिकली, तब भी हम कोशिश किए कि आपके लिए हम किसी तरीके से इसको भी पढ़ा दे बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल लाए हैं, ऑब्वियसली आप लोग को पसंद भी आई होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ पर जो है पर अधिक को कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, वास्तविक लाभ ज़्यादा है किस पे, सामान्य लाभ से, यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, ये क्या हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी 21 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, 22 में यहाँ पे बेसिकली क्या बोली जा रही है इसको थोड़ा सा देखिए, और 22 में बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसमें है देखिए अच्छे से, पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ जो है बेसिकली यहाँ पे औसत लाभ के पिछले 5 वर्षों के, ठीक है, 5 वर्षों के यहाँ पे औसत लाभ दिए गए हैं, और 1.5 वर्षों के क्रय पर आपको बेसिकली गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला साल जो है 20,000 दिया हुआ है, ठीक है, 20,000 हम जोड़े, उसके बाद दूसरा साल 18,000 दिया हुआ, ठीक है, 18,000 को जोड़े, फिर हम 9,000 दिया हुआ है तो 9,000 को जोड़े, ठीक है, 47,000 हुआ। अब 2 वर्ष का और दिया हुआ, 3 यहाँ है, 2 वर्ष का और दिया हुआ है,
हानि हुआ है, ठीक है, हानि उठाई गई ख्याति, तो 2000 और 5000 का हानि हुआ है, तो माइनस हम 7000 कर लेंगे, ठीक है, माइनस 7000 कर लेंगे, हमारे पास 40000 आ जाएगा, और 40000 आ गया, ठीक है, 40000 आ गया, इस सबको जोड़े एक साथ पाँचों को, तो 40000 डिवाइड बाई कितना, 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना किए, 5 किए, तो 8000 आ जाएगा, 8000। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, तो 8000 को अगर हम गुना करेंगे 1.5 से, 1.5 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12000, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ पे 1.5 है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी रहेगा, तो आप अच्छे समझ लेना इसका मतलब होता है 1.5, ओके, और यहीं पे अगर 2 ऐसा रहता तो 2.5 हो जाता। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, इसमें है जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो डैश खाता को डेबिट किया जाएगा, यानी व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक, बुक्स ऑफ गुडविल इज राइज एंड गुडविल इज राइज, अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, उस समय हम क्या करेंगे, अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो हम जो है डेबिट किया जाएगा किसको, तो ख्याति को डेबिट किया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब ख्याति खाता ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो उस समय हम डेबिट करेंगे किसको, गुडविल को सबसे पहले, जो वैल्यू रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 23 का। चलिए तो यहाँ पे गुडविल का जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे आप इसको देखे हैं, और इसी आधार पे और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे ना तो इसी अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपका अभी काम क्या है, अगर आपको बेसिकली जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेथड है अगर वो नहीं पता है तो सबसे पहले आप जाइए अपना बुक उल्टाइए और सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अच्छे से पढ़िए, किताब में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे प्रश्न ऑब्वियसली हर साल रहती है और रहेगी भी, तो वो चीज़ आप सीख ही लीजिए। और आज क्या अगर क्लास गुडविल का आपको पसंद आया हो, हमारा यह मेहनत आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए, निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करिएगा कि आज का ये क्लास कैसा लगा, सब समझ में आया, ये सब आप हमें बताइएगा। अगले क्लास में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करते हुए, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।